तो अपने लास्ट क्लास के डिस्कशन के बाद जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके अपनी टारगेटेड ऑडियंस को उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम है, चाहे हम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बना के ऐसा करते हैं, या हम एक वीडियो पोस्ट बना के करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, या फिर हम अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं। अगर हमारा बिजनेस सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो हम एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं। जैसे ये एक बिजनेस है जहाँ पे इनकी लेबोरेटरी है, इनकी एक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी है, और इनकी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी की इन्होंने देखी किस तरह से इंफॉर्मेशन दी है, और ये एक सिंपल वेबसाइट है जिसमें हम अबाउट अस, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रासिटिकल, फार्मास्यूटिकल, ऐसे प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी देते हैं। उसी तरह से ये एक और वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर या आईटी कंसल्टिंग में डील करती है, और आईटी कंसल्टिंग के जो सर्विसेज हैं उनका इन्होंने पूरा सर्विसेज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया और ये उनकी जानकारी देते हैं। ये भी एक पूरी बिजनेस वेबसाइट है, इन्होंने प्राइसिंग प्लान पूरा एक सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड गेट फ्री कोड एंड सब कुछ यहाँ पे लिखा है। उसी तरह हमारा ये एक बिजनेस है जिसमें हम अपने बिजनेस के बारे में पूरा लिखते हैं कि हम क्या क्या कोर्सेज पढ़ाते हैं, कौन से कोर्सेज का पूरा सिलेबस क्या है, उसके टीचर्स कौन से हैं, हम यहाँ पे कुछ इस टाइप के सिंपल वीडियोस भी बना के डालते हैं। ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन पैंडास इस टाइप के वीडियोस हैं, या कुछ एआई जनरेटेड वीडियो, जैसे ये एक एआई SlideScope जनरेटेड is managed वीडियो by a group of experienced professionals with decades of experience in the field of marketing, engineering, computer science. है। तो इस टाइप के सिंपल वीडियोस या थोड़े एडवांस वीडियोस भी बनाना आपको सिखाया जाएगा। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऐसा करते हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो हम लोग आपको पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का भी पूरा इस कोर्स में सिखाएंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है और किस तरह से यहाँ पे जैसे ये सब कुछ प्रोडक्ट्स एंड लिस्टेड है जिसको पब्लिक परचेज कर सकती है। तो ये सारा कुछ क्या है, बिजनेस की जानकारी सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है, उसे ऑनलाइन लाना पड़ता है। इस तरीके की करीब 10 अलग अलग वेबसाइट्स जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उन पे आप लोग सीखेंगे कि इस टाइप की वेबसाइट्स कैसे बनाई जाए फ्रॉम स्क्रैच, इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए, इनकी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए। जो आप सीखने वाले हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हम एक छोटा सा रोड मैप तैयार करते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस वेबसाइट, जहाँ पे आप सीखेंगे एक बिजनेस वेबसाइट किस तरीके से रेडी की जाए। सेकंड स्टेप पे हाउ टू डू एसईओ ऑफ दिस वेबसाइट। एसईओ में जो भी स्टेप्स हैं, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप पूरा सीखेंगे एंड टू एंड जब आप एक वेबसाइट को बनाना सीखेंगे उसके बाद। इसके बाद हम लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट का सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या SMO कैसे किया जाए, SEO कैसे किया जाए, ये पूरा प्रोसेस सीखेंगे जब हम एक बिजनेस वेबसाइट बना लेंगे। देन उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेज पे हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स या पूरी की पूरी एक शॉपिंग वेबसाइट कैसे बनानी है। इसमें कोई भी कोडिंग नहीं होगी, नो कोडिंग, कोई भी कोडिंग हम नहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाले। बिना कोडिंग के कैसे इजीली टूल्स का इस्तेमाल करके ये वेबसाइट पूरी बनाना, इसकी होस्टिंग करना, डोमेन परचेज करना, ये सब कुछ लाइक डोमेन नेम, होस्टिंग, ये सब। तो अगर आप लोग के भी दिमाग में कोई आपका स्टार्टअप है
जैसे आप चाहते हैं कि कोई स्टार्टअप आप करें अपने एंड से, चाहे आप खुद को एज अ डिजिटल मार्केटर प्रमोट करें, चाहे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आपके कोई फ्रेंड या फैमिली का बिजनेस है, या आपके कोई क्लाइंट का बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाना है, तो वो सारा कुछ हम सीखेंगे। अब ये वेबसाइट हम लोग क्यों बना रहे हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेरी की, डेटा एनालिटिक्स कोर्स या डेटा एनालिस्ट कोर्स। तो जब मैंने ये क्वेरी की यहाँ पे, ज़्यादातर ये क्वेरी कौन करेगा, जिसको ये पर्टिकुलर सर्विस परचेज करनी होगी। ओके, सो जब ये मैंने क्वेरी की तो ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पे अपियर होने लगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस कोर्सेरा की वेबसाइट को क्लिक करते हैं, तो ये कोर्सेरा की वेबसाइट वहाँ पे अपियर होने लगी, जिन्होंने अपने सारे कोर्सेज को, सब चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। ओके, इसी तरह सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, अभी आप सब लखनऊ, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है चिकन क्लोथ्स। सो अगर कोई चिकन क्लोथ्स का अपना काम करना चाहता है, उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो इस टाइप के एक वेबसाइट बना सकता है, जैसे हमने ये रेडी की है। इस वेबसाइट का नाम है chickenclothes.com, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें ये सब प्रोडक्ट्स हैं, और ये पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेट्स से हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है, इस पे हम गए और यहाँ से इस प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसे ऐड टू कार्ट करके हमारे कस्टमर से परचेज कर सकता है। इसी तरीके से अगर हमारी कोई कोर्स की वेबसाइट है, तो ये हमने एक ट्यूटर्स के लिए वेबसाइट बना रखी है, जहाँ पे हम लोग अपने ऑनलाइन कोर्सेज का प्रमोशन करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे भी है, और इसमें भी आप देख सकते हैं ट्यूटर है, स्टूडेंट है, यहाँ पे हमारे ये सब ट्यूटर्स के नाम है, इनके कोर्सेज हैं। सो अब इसमें कोई, अगर हम कोर्सेज देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, अब जैसे आप ये देख रहे हो कोर्सेरा, इन्होंने भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस बनाया। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, लाइक इनका एक बहुत बड़ा अपना इंटरफेस है। यहाँ पे हमने इनको सिंपली ऐसा बना रखा है। प्लीज़ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो जैसा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, हम लोग ने भी इस तरह के, देखिए, कोर्स के सिंपल वेबसाइट बनाई हुई है। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अगर मान लिया हमें कोई कोर्स को सेल आउट करना है, तो उसका किस तरीके से पूरा एक इंट्रोडक्शन पेज, और किस तरीके से उसका पूरा सिलेबस पेज एंड ऑल है, इसी तरीके से यहाँ पे पूरा आपको ये डिटेल दिया गया है। ठीक है, सो हम लोग जो भी टाइप का बिजनेस हमारे पास आएगा, अब जैसे हमने अभी, आप कोर्स मीट में भी आप कनेक्ट हुए, आप इंक्वायरी कर रहे, तो यहाँ पे भी हमने कुछ उसी टाइप से सारे कोर्सेज को एनलिस्ट करके और फिर यहाँ पे पूरा ये डिटेल सेट कर रखा है। इससे क्या होता है कि जब कभी चाहे हम ऑनलाइन प्रमोशन करें, चाहे यूज़र हमारे पास एडवर्टीजमेंट के थ्रू आए, या यूज़र हमारे पास सिंपल किसी लिंक पे क्लिक करके आए, तो क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए कन्वर्जन का काम करेगा। ठीक है, चाहे हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे ये कुर्ता ही बेच रहे हो, या हम कोई कोर्स बेच रहे हो, चाहे वो ओरेकल, एडवांस ओरेकल का कोर्स हो, या पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स हो, या हम कोई सर्विस बेच रहे हो अपनी, जैसे ESG कंसल्टिंग है, या बिजनेस कंसल्टिंग, या जैसे मैंने आपको अनवी टेक का एग्जाम्पल दिखाया, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे हम जो है IT रिलेटेड सर्विसेज हैं हमारी, ई कॉमर्स, वेबसाइट मेंटेनेंस, कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन, कुछ भी हम सर्विस दे रहे हों, प्रोडक्ट दे रहे हों, तो हमको वहाँ पे चाहिए एक ऐसा, एक वेबसाइट बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर वो सर्विस बेस्ड है तो हम एक बिजनेस वेबसाइट वहाँ पे बनाएंगे, अगर हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है तो हम एक ट्रेडिंग वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, और दोनों में ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आप अलग अलग सीखेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करके हम लोग आज से सीखेंगे, बिना कोडिंग के ज़्यादा, एक बिजनेस वेबसाइट कैसे बनाई जाए। आप इस पूरे प्रोसेस को देखिए, समझिए, और एंड में हम लोग जो है
एंड में आप लोग के लिए, आपका भी कोई स्टार्टअप का मन है अगर, तो आपको भी पूरा डोमेन नेम कैसे खरीदना है, होस्टिंग कैसे खरीदना है, उनको आपस में कैसे मिक्स करना है, ये सब सिखाएंगे। ओके, सो जो टेक्नोलॉजी हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो वेबसाइट्स आपने अभी देखी, इसमें ज़्यादातर वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और वर्डप्रेस दुनिया के सबसे बड़े से बड़े बिजनेस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉगिंग के लिए, वेबसाइट के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। ठीक है, वर्डप्रेस के अलावा और भी कुछ कॉमन सिस्टम है, जैसे शॉपिफाई भी एक ऐसा सीएमएस है जिसका यूज़ किया जाता है, ड्रूपल है, और विक्स का इस्तेमाल करते लोग एटसेट्रा। तो बट हम लोग का कोर्स जो है उसमें हम आपको वर्डप्रेस का पूरा एंड टू एंड डेवलपमेंट सिखाएंगे, और शॉपिफाई है या किसी भी टाइप की वेबसाइट है तो उसका एसईओ कैसे करना है, उसका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, वो सिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए टू गेट स्टार्टेड हम लोग आपको एक फ्री होस्टिंग और डोमेन की वेबसाइट आज बता रहे हैं। आप लोग इस पे सब अपना अकाउंट बनाएंगे, और जब आपका अकाउंट बनेगा पूरा प्रोसेस देखिए, और इस पूरे प्रोसेस में आपको जो भी दिक्कत आएगी, वॉट एवर प्रॉब्लम यू विल फेस, वी विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो इस वेबसाइट का नाम है इन्फिनिटी फ्री। आप देखो इन्फिनिटी फ्री, जैसे मैंने सर्च किया तो ये क्या करता है, हमें फ्री वेब होस्टिंग दे देता है। ओके, एक फ्री वेब होस्टिंग वेबसाइट। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या है, गो टू इन्फिनिटी फ्री डॉट कॉम, एंड यहाँ से आप जो है एक फ्री वेब होस्टिंग के लिए रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं ये स्टेप्स भी यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। सो वेबसाइट बनाने के लिए हमें मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है डोमेन नेम। जैसे यहाँ पे हमने देखा डोमेन क्या है, कैनिटी डॉट इन। ओके, यहाँ पे डोमेन क्या है, बैकलिंक जेन डॉट कॉम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कलर्सटेक डॉट नेट, एक सोलर का बिजनेस। यहाँ क्या है, ओडी सर, इसमें ट्यूटर डॉट कॉम। हाँ जी प्लीज। हम अपना डोमेन नेम ले सकते हैं, मतलब जो कोई कुछ सोचा हो हाँ या ऐसा कुछ हाँ भी? जैसे तुम्हारा नाम विकास है, तो उन्होंने कहा विकास नहीं डिजाइनर। सर, एक मैंने नेम सोचा था, क्रिएटिव पल्स, वो देख सकते हैं। ठीक है, सो अब जैसे आपको ये डोमेन चाहिए तो इसका किसी ने डॉट इन ले रखा है। ठीक है, सो हाँ कई बार क्या होता है कि जो डोमेन नेम हम चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होता है, पर उसके आसपास के डोमेन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो जैसे होस्टिंजर इज वन सच वेबसाइट। ओके, हम क्या करते हैं, क्रिएटिव पल्स डॉट ऑनलाइन एक बार चेक करते हैं। ओके, सो क्रिएटिव पल्स डॉट ऑनलाइन, क्योंकि क्या है, जो नाम तुमने सोचा है ये बड़ा ही कॉमन नाम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम बिजनेस के नाम को थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा ट्वीक करते हैं कुछ, है ना। अब और ऐसा नाम लेना भी नहीं है जिसके ऊपर ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, क्योंकि वो हाँ फिर आगे ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक नहीं है, सर, मैंने ये देखा था, मतलब रिसर्च किया इस बारे में, मतलब क्रिएटिव पल्स के नाम से कोई भी अभी वेबसाइट नहीं बनी, देखो ना ये ही है, मतलब तो इंस्टा पेज बना है अभी। देखो इन्होंने बनाया द क्रिएटिव पल्स एजेंसी, इस नाम से इन्होंने लिंक्डइन बनाया, देखो इन्होंने इस नाम से बनाया। ठीक है, सो ये इतना कॉमन नाम है, देखो कितने बिजनेस है, देखो इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, सो मे बी तो इसीलिए तुम हमसे कहने को, जैसे तुमने एनालिसिस किया होगा तब तुम्हें भी नहीं समझ में आया, बट देखो क्रिएटिव हाँ पल्स डीलर फ्रॉम तिलक नगर। ठीक है, सो एक वेबसाइट भी मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है नेम चेकर। ठीक है, इस वेबसाइट का नाम है नेम चेकर। नेम चेकर में क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे डाल सकते हैं, वो जैसे आपने डाला क्रिएटिव विकास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट लाइक कि हम ये लेने ही जा रहे हैं। ओके सर, तो ये क्या करेगा, आपको बता देगा कि इसका कौन कौन सा सोशल मीडिया अवेलेबल है, ठीक है, और कौन कौन सा सोशल मीडिया टेकन है।
ओके, इस टाइप का यहाँ पे होता है। और सबसे इजी तरीका यही होता है, जैसे आप गो डैडी पे मैं चला गया, ओके। तो गो डैडी पे क्या होता है, गो डैडी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स है जहाँ पे से आप होस्टिंग और डोमेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐसे ही डाला क्रिएटिव विकास एक एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ढूंढ रहा है कि creativevikas.com ये वेबसाइट अवेलेबल, ओके। तो ये आपका एक ब्रांड हो सकता है ना, क्रिएटिव विकास, राइट। इस नाम में एक्चुअली बहुत पल्स है, क्रिएटिव विकास मतलब, क्योंकि विकास में डेवलपमेंट छुपा हुआ है, तो ऐसा कुछ आप नाम सोच सकते हो। और इन्होंने क्या कहा, ये 1 रुपए का देंगे, ठीक है, लेकिन जब आप 3 साल के लिए खरीदेंगे। जैसे मैंने कहा चलो इसको हम करते हैं कि खरीदने की कोशिश करते हैं, अभी ऑब्वियसली खरीदेंगे नहीं, बट आपको एक आइडिया समझ में आएगा। सो यहाँ पे हमने कहा नो डोमेन प्रोटेक्शन वोटेक्शन नहीं चाहिए, ये वो कोई ईमेल वीमेल नहीं चाहिए, और कार्ट पे कंटिन्यू करते हैं। सो एक आपको टर्म पता चल जाएगा कि एक डोमेन खरीदने की कितनी कॉस्टिंग है। देखो 3 साल के लिए 2599 का दे रहा है, ठीक है, फिर 1 साल का लेते हैं तो 1 साल के लिए 949 का दे रहा है, ओके। सो नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक प्राइसिंग अगर आप अपना एक ब्रांड शुरू कर रहे हैं। फिर सेकेंड स्टेप होगा कि ये आपका डोमेन खरीद जाएगा यहाँ से। सेकेंड स्टेप होगा डोमेन से करोगे क्या, तो आपको एक लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा ना, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होगी, जहाँ आप अपनी सर्विसेज को बताओगे लोगों को, राइट, कि मेरा नाम विकास है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैंने इन क्लाइंट्स को आज तक इतनी सर्विसेज दी हैं, राइट। सो वो ये वेबसाइट है, ओके। वेबसाइट के लिए चाहिए होती है होस्टिंग, तो होस्टिंग जो होती है वो यूजुअली आपकी, वो भी गोडैडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और इनके जो होस्टिंग चार्जेस होते हैं, जैसे अभी मैं इस पे होस्टिंजर पे दिखा देता हूँ। सो जैसे सर ये होस्टिंग होती क्या है? जैसे क्या हुआ, आप ऐसे सोचिए कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है, हाँ सर, तो घर बनाने के लिए आपको एक जगह चाहिए ना, जहाँ पे हाँ सर, आप घर बनाएंगे, तो वो हाँ जगह जगह किस में आती है, स्क्वायर फीट में आती है, राइट, कि हाँ इतने हाँ सर, स्क्वायर फीट का मेरा घर है, ओके। उसी तरीके से जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट है क्या, वेबसाइट वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जो है उसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, वीडियोस होते हैं, राइट, एनिमेशन होती एनिमेशन, है। चलो वो वैसे इमेज में आ गया, चलो तुम्हारे हिसाब से जोड़ लेते हैं, एनिमेशन होते हैं, ठीक है, और अदर फाइल्स होती हैं, है ना, जैसे पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, और जो है पीपीटी फाइल्स हो सकती हैं, फिग्मा फाइल्स हो सकती हैं, एनीथिंग, राइट। तो एक वेबसाइट क्या होता है, इन सब चीज़ों का एक कलेक्शन होता है। अब तुम्हें भी पता है एक वीडियो जो होता है वो 1 MB से लेके 1000 MB या कहीं ज़्यादा तक हो सकता है, राइट। जो इमेज यस होती है वो भी मतलब 1 KB से लेके 1000 KB तक और ज़्यादा, मतलब MBs में GBs में तक के हो सकती है, राइट। टेक्स्ट जब हम लिखते हैं, किसी वेबसाइट में 5 पेज होते हैं, किसी में 500 पेज होते हैं, राइट। सो वेबसाइट में जो ये फाइल होती हैं, ये फाइल आप कहाँ पे सेव करेंगे, तो जिस तरीके से घर बनाने के लिए एक जगह चाहिए, उस जगह पे हम क्या करते हैं, ईंटें लगा के, सीमेंट लगा के, सरिया लगा के घर बनाते हैं, वैसे ही वेबसाइट बनाने के लिए भी एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, राइट। वेब के ऊपर एक स्पेस चाहिए, वेब क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर एक स्पेस चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट, अपनी इमेज, अपने वीडियोस, अपने एनिमेशन, अपनी अदर फाइल्स को सेव कर सकें। जैसे ये जो उदाहरण आपने अभी तक देखे, चाहे ये बैकलिंक चेन हुआ, देखो इसमें इमेज भी है, ये टेक्स्ट भी है, ठीक है, सब कुछ है, राइट। और यहाँ पे भी देखिए आपको ये सब जानकारी दी गई है, या हमारा कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, तो ये सब सेव करने के लिए जो स्पेस चाहिए, उस स्पेस का एक किराया होता है, एक कह सकते हो कि रेंट होता है, ठीक है, हाँ वो रेंट ही होस्टिंग चार्जेस होते हैं, ओके। तो ओके वो सर, जगह,
लोगों ने क्या कर रखा, अपने बड़े बड़े कंप्यूटर बना रखे हैं। ओके, जैसे लोगों ने क्या किया, मान लो मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें मैंने मैंने जो है इसमें 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगा दी। ओके, ये तो आपको पता है, एस 2 TB की हाँ SSD लगा दी मान लीजिए, ठीक है, ऐसा। इसमें मैंने 16 GB रैम लगा दी। ओके, और इसमें मैंने मान लीजिए राइजन का कोई प्रोसेसर लगा दिया, माने राइजन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, Ryzen 7 राइजन प्रोसेसर लगा दिया। ओके, आप भी ग्राफिक्स का काम करते हो तो आपको पता है ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, ठीक है। हाँ तो मान लीजिए वो भी मैंने 3060 Ti ग्राफिक कार्ड लगा दिया। ओके, ऐसे मैं बता, बड़ा बेसिक सा कंप्यूटर, कोई सर्वर नहीं है, अगर ऐसे मैं एक एग्जांपल बता, अब मेरे पास जो है, ये जो मेरा कंप्यूटर है, इसमें मैं 2 TB तक के वेबसाइट को स्टोर कर सकता, ठीक है। मुझे बस क्या चाहिए होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा जो 24 घंटे चलता रहे, राइट, और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दूंगा। ओके, अब जब मेरा इंटरनेट कनेक्शन होएगा तो एक आईपी एड्रेस भी होगा, होगा कि नहीं होगा उसका, जैसे आपके घर में जियो का नेट लगाओ या एयरटेल का लगाओ, या इवन आप अगर जियो का प्लान भी यूज करते हो जो डेटा प्लान है, तो आपका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो जो आपका आईपी एड्रेस होता है, वो अब मैं बेसिक से लिख रहा हूँ, लोकल एड्रेस लिख रहा हूँ, बट वो कुछ ऐसा दिखता है, ये लोकल एड्रेस है और कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ, ये आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये जो, फिर से आप बात करते हैं, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा जिसके ये स्पेसिफिकेशन थी, उसमें इंटरनेट लगाया, मेरा आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस हो गया डोमेन नेम, और ये जो है ये हो गया होस्टिंग, नहीं हाँ सर राइट। समझ गया अब लेकिन ये सर। डोमेन नेम याद रहेगा क्या किसी को, इतने नंबर, राइट, नहीं ये तो बड़े अजीब अजीब नंबर्स हैं नहीं। और अभी हमारे फोन में देखो, तुमने अपने कजिन का, अपने फ्रेंड्स का जो फोन नंबर है, तुम्हें कितनों का याद होगा, पर अगर तुम उस डोमेन नेम को एक आसान नाम बना दो, ठीक है, आसान नाम बना दो, आसान नाम क्या सर होता है, जैसे तुमने बना दिया क्रिएटिव विकास .com, ठीक है। तो अगर ऐसा एक आसान नाम बना दिया तो क्या होगा, वो जो आसान नाम है वो याद हो जाएगा लोगों को। आप जैसे याद हो कैसे जाएगा याद हो, सर। फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजॉन, अमेजॉन तो जंगल का नाम है और उन्होंने उसकी वेबसाइट बना दी, ठीक है, पूरा आपका पूरा बिजनेस चल रहा है उस नाम से। तो जो नाम आसानी से, जो चीज आसानी से याद हो, तो ये जो डोमेन नेम है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आसान नाम है जो एक्चुअली में जब कोई एंटर करेगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो एक आईपी एड्रेस खुलेगा, और वो आईपी एड्रेस एक इंटरनेट कनेक्शन का होगा, और वो इंटरनेट कनेक्शन एक ऐसे होस्टिंग सर्वर का होगा जहाँ पे मेरी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं स्टोर्ड हैं, राइट। ओके, और वो साइट दिखेगी। तो जब मैंने यहाँ पे एंटर किया चिकन क्लोथ्स, अब ये नाम आसान है कि नहीं, अगर किसी को चिकन क्लोथ खरीदना है तो क्या करो, chickenclothes.com पे चले जाओ, राइट। सो किसी ने डाला, या तो ये खुल गए। अब इसमें ये इमेज जो आ रही है, ये जो डिजाइन आ रही है, ये सब कुछ जो है ये फाइल्स हैं। और अगर हम राइट क्लिक करके किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, उसका सोर्स देखेंगे, तो एक्चुअली में ये वेबसाइट का कोड होता है। ओके, ऐसी होती है वेबसाइट, मतलब कंप्यूटर को ऐसी दिख रही है वेबसाइट, कंप्यूटर के लिए ये पूरी इस तरह की कोडिंग है, पर हमारा ब्राउजर इतना स्मार्ट आदमी है, या औरत भी हो सकते हैं, जो ब्राउजर है वो इतनी स्मार्ट चीज है, वो क्या कर रहा है, इस गंदे से कोड को ऐसा बना के दिखा दे रहा है, राइट, राइट ये ब्राउजर कर रहा है। सर सो ये ब्राउजर इससे क्या कर रहा है कि जो कोडिंग है उसको यूं बना दे रहा है, और इससे क्या होगा, अब किसी को चिकन क्लोथ खरीदने, वाह अब आओ यहाँ, अच्छा ये कुर्ती अच्छी लग रही है, आइए, और या इसको जो है अपना देखिए और आपको अच्छी लग रही है तो इसको खरीद लीजिए,
ठीक है, अगर आपको कोई कोर्सेज खरीदने हैं तो यहाँ पे आइए, ये कोर्स अच्छा लग रहा है, ओके, यहाँ पूरा सिलेबस पढ़िए, इसका अच्छा लग रहा है तो इसको एनरोल कर लीजिए, अभी तो ये फ्री है, ठीक है। सो ऐसा है, डू यू गेट माय पॉइंट? तो यस सर, इसीलिए जब हम वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक होस्टिंग सर्वर जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें एक रैम होगी, एक प्रोसेसर होगा, ग्राफिक कार्ड की वो है लाइक ऑप्शनल है, पर स्टोरेज होगी, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क की स्टोरेज है स्लो होगी, एसएसडी स्टोरेज है फास्ट होगी, ये आपको भी पता है, राइट। सो ये सारा कुछ होगा, तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी, पर हम लोग टेक्निकली उतने एडवांस नहीं हैं और हम 24 घंटे अपना कंप्यूटर ऑन भी नहीं रख सकते, राइट। क्योंकि उसको 24 घंटे ऑन रखने के लिए प्रॉपर कूलिंग चाहिए, राइट। और अगर मान लीजिए कल को लाखों विजिट्स आने लगे वेबसाइट पे, जितने ज़्यादा विजिट्स आएंगे उतना ज़्यादा रैम और कैपेसिटी पे इशू आएगा। सो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग आ गए, होस्टिंगर वाले आ गए, यू नो गोडैडी वाले आ गए, राइट। इन लोग ने क्या कहा, आप टेंशन नहीं लीजिए, होस्टिंग हम देंगे आपको, ठीक है, आप हमें बस छोटा सा किराया दीजिए महीने का, यही तो मांग रही है हमसे। तो इन्होंने कहा अच्छा तुम्हें एक वेबसाइट होस्ट करनी है, 10 GB का NVMe स्टोरेज दे दिया, SSD छोड़ो, ठीक। इन्होंने कहा शेयर्ड रैम होगी, मतलब ऐसा होगा कि जो हम एक ऐसा सर्वर देंगे और भी लोग उस रैम को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, डेडिकेटेड नहीं होगी, और इसके लिए हम आपको 79 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करेंगे, समझ गए बात। और ये अगर अगर मेरी अगर मेरे जैसा बिजनेस है जिसमें हमने जैसे कहा हमने हमारे 300 क्लाइंट हैं, तो हम देखेंगे कि अच्छा ये वाला प्लान मेरे लिए अच्छा है या ये वाला मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, और भी प्लान होंगे। सो जैसे जैसे अगर आप आगे चल के एक वेबसाइट डेवलपर बन जाते हैं तो आप शायद ये वाला प्लान लेंगे, ठीक है। आप खुद के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला या ये वाला प्लान लेंगे, राइट। सो यही है इसकी ये प्राइसिंग, ठीक है। सो ये जरूर देखेंगे, होल्ड कीजिएगा। सो आफ्टर वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, अब हम आज वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने पे बात करते हैं। और इसके लिए जैसा मैंने कहा, जो हमारी इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट है वहाँ पे हम आ जाएंगे। इन्फिनिटी फ्री क्या है, ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये फ्री वेब होस्टिंग देता है, ओके। अब फ्री है तो वो फ्री जैसा ही काम करेगी, बट एज अ बिगिनर एज अ लर्नर आप इस चीज़ को आराम से सीख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बस आके अपना ईमेल डाला, एक पासवर्ड यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये तो आप भी बना लोगे आराम से, ओके, और पासवर्ड ले लिया और यहाँ से साइन अप कर लिया, ओके। आपके टर्म्स ऑफ सर्विस वगैरह सब एक्सेप्ट करो, ये छूट गया, चलो ठीक है भाई साहब। और आप लोग का ये आज का होमवर्क होगा कि आप लोग जो है इस वेबसाइट पे जाके अपना पूरा जो है रजिस्ट्रेशन करोगे। मैं ये डोमेन अभी आपको भेज रहा हूँ। अब देखिए इसने कहा कि आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, तो मैं जीमेल में जाके उस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये देखिए ये इनका ईमेल एड्रेस है, इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं और अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इस इंटरफेस में हमें क्या करना है, एक इस फ्री इन्फिनिटी के वेबसाइट में, एक इस फ्री अकाउंट में हम लोग 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आपको दिख रहा है 0 of 3, ओके। इसको आप रियल प्रोजेक्ट्स पे नहीं ट्राई कीजिएगा, ये सिर्फ लर्निंग वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, मगर एज अ फ्री हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और इसके लिए हम सीधे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ओके, और ये कह रहे कि कौन सा प्लान लेना चाहते हैं, एक $2.5 पर मंथ का है, ये $6 पर मंथ का है, देखो इसमें वही बता रहे जो मैं थोड़ी देर पहले बता था, राइट।
5 GB का स्पेस देंगे, 250 GB बैंडविड्थ देंगे, सी पैडल वगैरह देंगे। फ्री वाले में भी ये दे रहे हैं सर, ठीक है, तो हम फ्री वाला ले लेते हैं, ये $0 वाला, और इसे क्रिएट कर देते हैं। अब क्रिएट करने के लिए देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला कि बनाने के लिए एक तो हमें डोमेन चाहिए और एक होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग ये हमें दे रहा है, कह रहा है डोमेन तुम्हारे पास है क्या, तो अभी तो हमने खरीदा नहीं है डोमेन, तो ये कह रहा है कि हमारा एक फ्री सब डोमेन ले लो। ओके, ये दिख रहा है आपको, तो ये फ्री सब डोमेन ले लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे आज हम लोग क्या करते हैं कि इसका नाम रख देते हैं कुछ क्रिएटिव एजेंसी, और क्रिएटिव एजेंसी नाम से हमारा एक सब डोमेन बुक कर लेते हैं। सब डोमेन मतलब ये इन्फिनिटी वाला ही हमें दे रहा है, ये आप अभी ले लो, और अगर आपके पास कस्टम है तो आप अपना खुद का डोमेन यहाँ पे .com या .in या .org जो भी है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो यह हम अभी अपना इसका ले लेते हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर देता हूँ। ये नाम लिखने के बाद हो सकता है जो हमने सोचा वो किसी और ने भी सोचा हो, तो एक बार चेक अवेलेबिलिटी कर लेते हैं। तो कह रहे हैं हाँ, ये क्रिएटिव एजेंसी अवेलेबल है, तो ये मेरा डोमेन हो जाएगा क्रिएटिव एजेंसी .rf.gd, शॉर्ट है, भले ये सब डोमेन है मतलब मेन डोमेन नहीं है मगर काम करेगा, ठीक है, सीख तो रहे। और ये पूरा इसने हमारे लिए ये स्टेप किया, यहाँ मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा और बस क्रिएट अकाउंट कर देना है। ओके, कह रहा है ईमेल फील्ड का कोई कंसेंट है, आई अप्रूव कर देते हैं कि चलो भैया हमें ज़रूरी बातें भेज देना, अगर आपको लगता है नहीं चाहिए तो आप डू नॉट अप्रूव भी कर सकते हैं, और आई अप्रूव मैं कर देता हूँ कि चलो कोई फ्री में अकाउंट दे रहा है तो उसको थोड़ी ईमेल मार्केटिंग देते हैं, और बस ये फिनिश कर देंगे यहाँ से। ओके, सो 3 स्टेप थे, हमने अपना सब डोमेन लिया, अकाउंट बना लिया और फिनिश कर दिया। ओके, जब आप फिनिश कर देंगे तो यू विल बी एट दिस स्टेप, तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ से हमें अब इसके बाद सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर पे जाना है। ओके, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है, अगर आप किसी भी स्टेज पे अटकते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर इस स्टेप के आगे क्या करें, मैं वहीं पे आपको मैसेज कर दूंगा ये करिए इस स्टेप के आगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर पे क्लिक करते हैं, पर उससे पहले यहाँ सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ गया। ओके, अब हम लोग को क्या सीखना था, वर्डप्रेस। ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वर्डप्रेस हमें सीखना है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप एडवांस से एडवांस वेबसाइट्स को बना सकते हैं, और पर बेसिक वेबसाइट के लिए तो एकदम ही बेस्ट सोल्यूशन है। लाइक अगर आपको एक बिजनेस वेबसाइट बनानी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए तो बिगिनर वेबसाइट के लिए तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो यहाँ से हम जाते हैं, और वर्डप्रेस जब इस स्क्रीन पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वर्डप्रेस के इंस्टॉल वाले इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ से आपको ये जो जो इंस्टॉल का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। ओके, तो ये सब मैं भेजते जा रहा हूँ। अब जब मैं वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये मुझसे ये सब डोमेन वगैरह पूछने लगेगा। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, बस मुझे अपना एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कहीं लिख लेना है। अभी मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, बाद में जो इन्होंने दिया है, तो ये मेरा एडमिन पासवर्ड है, ये किसी को आपको बताना नहीं, मैं बाद में इसको चेंज कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा एडमिन पासवर्ड है और ये एडमिन यूज़र नेम होता है, तो कुछ मैं यूज़र नेम रख दे रहा हूँ, सी एडमिन मैं इसका यूज़र नेम रख दे रहा हूँ, और ये पासवर्ड। ओके, आपको भी अपना ऐसे कुछ आईडी पासवर्ड रखना है, तो आफ्टर दिस स्टेप चूज योर आईडी पासवर्ड। ओके, ये सब ईमेल वगैरह करके सिंपली आपको आके इंस्टॉल कर देना है, तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो डोमेन हमने अभी बुक किया है और जो होस्टिंग हमने बुक की है उसमें वर्डप्रेस सीएमएस जो है हमारा वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इस पे सिंपली क्लिक कर देते हैं
और अगर सब कुछ सही रहेगा तो हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके अब देखिए, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना तो वर्ड किसी भी वेबसाइट के दो वर्जन होते हैं। ओके एक पब्लिक वर्जन होगा ना कि दुनिया क्या देखेगी, ठीक है, पर ये जानकारी बदलने के लिए एक बैकएंड पैनल भी तो होगा। जैसे तुम्हारे फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में एक बैकएंड पैनल होता है जहाँ से तुम चीज़ों को पोस्ट कर सकते हो, और एक फ्रंट एंड होता है जहाँ से आप लोग वो देखते हैं जो तुमने पोस्ट किया है। अगर किसी ने यूट्यूब यूज़ किया है तो वहाँ भी यही होता है। यूट्यूब में एक बढ़िया सा डैशबोर्ड होता है हमारे पास, और उस डैशबोर्ड में हम वीडियोस वगैरह को अपलोड करते हैं और बाकी लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से एक वर्डप्रेस वेबसाइट में भी क्या होता है कि वर्डप्रेस वेबसाइट में हमारा ये होता है कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर भी दो वर्जन होते हैं। ओके तो ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये पब्लिक यूआरएल, पब्लिक को ये वाला यूआरएल दिखेगा। ओके और एडमिन को कौन सा यूआरएल यूज करना होगा, ये वाला। ओके तो अभी जो हमारी वेबसाइट है बड़ी बेसिक सी वेबसाइट बनी होगी, और अभी क्या है कि क्योंकि हमने आज ही इसको बनाया है ना, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि तुरंत आपने होस्टिंग लिया है, सब डोमेन लिया है, तो इट टेक्स अराउंड 2-3 आवर्स टू गेट कम्प्लीटेड। सो इसीलिए हम लोग इसको भी करते, अभी अभी हम करेंगे तो ये डोमेन ऐसे दिखा रहा है। सो ये 2-3 घंटा लेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी आज की क्लास के हिसाब से कम यहाँ तक पहुँच जाएँ कि आपकी वेबसाइट का बेसिक सा वर्जन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और फिर जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम इसके आगे के स्टेप्स करेंगे। ओके सो राइट, सो आज आप इतना करने वाले कि इन्फिनिटी फ्री पे जाके वेबसाइट को बुक करिए, डोमेन एक अपना चूज कीजिए, चूज करने के बाद आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए और आ जाइए इस स्टेप तक। यहाँ तक आने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए। ओके एंड देन वी विल, सो ये हमारा केस रहेगा, तो लेट्स सी एंड आगे बढ़ेंगे। ओके okay?